हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं पीछे बहुत ज़्यादा शोर, आज ना हुदा बात नहीं करने दे रही, हुदा बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, वो कह रही है मुझसे बात कर लो। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ अपनी अफ्तारी में हम लोग क्या करते हैं, कैसे गुजरती है अफ्तारी हमारी, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। नॉर्मल सी जैसे पाकिस्तान में गुजारते थे, बस थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ पे अजान उस तरह नहीं होती है, साथ वाले घर अफ्तारी में घर होते, लेकिन क्योंकि हम लोग सब इकट्ठे रहते हैं तो हमारा अच्छा गुजर जाता है। तो मैं क्या बना रही हूँ आज मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ, और अफ्तारी कैसे गुजरती है वो भी। और हुदा कह रही बस अब मेरी सुन लो, बेसन भी थोड़ा सा बच गया था, मैं इसको ऑन द मिक्स कर दूँगी नया वाला, तो इसको फ्रेश करके अब इसको यूज़ करेंगे। इस तरफ मैंने चिकन और आलू साथ में इकट्ठे बॉयल होने रख दिए हैं, चीज़ बॉल बनाते हैं तो उसके लिए मैं आलू और चिकन उबाल रही हूँ। बताया कि मैंने भिंडी ऑलरेडी बना के रखी होती है, तो बस दही फेंटते हैं और आलू भी मैंने बॉयल करके रखे होते हैं। आधे से ज़्यादा काम मैंने ना पहले रोज़े में सब डन किया था कि थोड़ा आसानी हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे बूंदी तीसरे या चौथे रोज़े में बनानी पड़ी। सबसे पहले बनाते हैं हम फ्रूट चाट और इसके एक अदद एप्पल। जापान में वैसे ना अब जो रोज़े हैं वो ठंडे हो गए, तो मतलब अभी यहाँ पे सर्दी ही है, अभी हीटर भी लगा हुआ है, सब कुछ गर्म कपड़े भी चल रहे हैं, तो बहुत आसान हो गए हैं रोज़े, मतलब पता ही नहीं चलता कि रोज़ा रखा हुआ है, और शाम भी जल्दी हो जाती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का और जापान का जो है वो टाइमिंग का ज़्यादा फर्क नहीं है। मेरे ख्याल से 16 घंटे का होता था इधर भी, तो वहाँ पे 16:30 हो जाता था या पूरे 16 होता था, तो ये साथ साथ ही चल रहे थे पाकिस्तान और जापान। तो हुदा बहुत शोर मचा रही है पीछे, उसको ना बोलना आ रहे, अच्छा गुजर जाता है सारा दिन। मैं तो उठती हूँ हुदा के साथ, हुदा को खाना वगैरह खिलाया, कपड़े वगैरह मैनेज करने होते हैं, मशीन लगा दी और सफाई वगैरह, रूम को थोड़ा सीधा कर दिया। ये मुझे याद है पिछले रमज़ान से मुझे थोड़ा आया हुआ था कि अपनी अफ्तार की रूटीन शेयर करें, तो बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा था। अब थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। शेयर करना मतलब मुझे लगता है आप लोगों जैसे ही गुजरता है हमारा भी रोज़ा, लेकिन चले अच्छी बात है अगर मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एप्पल काट लिए हैं और इसका ये बनाया है, अभी जो बनाना है केले हमारे रस्ते में वो आ रहे हैं, केले ख़त्म हो गए थे वो मैंने लेने भेजा हुआ भाई को। अब डालेंगे हम इसमें स्ट्रॉबेरी, वैसे अगर आप लोगों ने कभी अपने फ्रूट चाट में ये किशमिश नहीं डाल के देखी है तो वो डाल के देखिएगा, बहुत बहुत मज़े लगता है। फ्रूट चाट की आधी तैयारी होगी, बाकी जो बाकी के फ्रूट्स आते हैं वो मैं डालूँगी उसमें, तब तक इसमें हम चीनी चाट मसाला वो डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए फ्रूट। बाकी आज फाइनली हमारा पुदीना आ गया, पुदीना यहाँ पे ऐसे मिलता है और धनिया यहाँ पे ऐसे मिलना स्टार्ट हो गया, दोनों चीज़ें पहले नहीं मिलता था, तो इसको आज हम बनाएंगे चटनी, हरी चटनी पकौड़ों के साथ। मैं भाई कह रहा था कि बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, हम लोग केचप के साथ पकौड़े खा रहे हैं ना तो मज़ा नहीं आ रहा है, चटनी होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे
मैं थोड़ा पत्ता इसलिए रखती हूँ क्योंकि बूंदी ने एब्जॉर्ब करना होता है, वो बहुत ड्राई कर लेती है फिर, तो ज़्यादा पतला रखेंगे हम दही को फुल मिलावट वाला। चिकन बॉईल हो गया, मैंने अभी इसमें डाल दिया ठंडा पानी। अब मैं बनाने लगी हूँ गोभी के पकोड़े। गोभी में चाहिए होगा गोभी के चंक्स। अब हम बनाएंगे, ये बैंगन को कल ही स्लाइस कर लिया था, तो बैंगन के पकौड़े और आलू के पकौड़े, और ये फ्राई हो रहे हैं। अब इसको हम बनाते हैं चीज़ बॉल का मसाला। बहुत देसी तरीके से हम आलू को करेंगे मैश। इस तरफ बना रहे हैं हम ड्रिंक, इस तरफ मैं मैश करी थी आलू को। और इसमें जो श्रेडेड चिकन है वो डालेंगे। आलू मेरे भाई ने छीले हैं, छोटे भाई ने। अच्छा, मुझे फ्रिज में से चीज चाहिए इसको बॉल बनाने के। हमारे आगे गोभी के पकौड़े, मैंने बैंगन और आलू के फ्राई होने डाल दिए। हम थोड़े खाते हैं, गोभी के थोड़े ज़्यादा खाते हैं, इसलिए वो मैंने पहले ज़्यादा बना दिया। अदरक को मैंने बोला अदरक बस मुझे सीधा करके दे दीजिए। इसमें डालूंगी मैं चीज़ बाहर भी आ जाती है पर इट्स ओके। चीज बॉल बना लिए, थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगाए क्योंकि वो थोड़ा स्टिकी हो रहा है। और ये सब निकला है बैंगन आलू गोभी सब सब्जियों में। मैंने और अदा ने ये रखा हमने अंडा, इसमें लगाएंगे क्रम्स लगाएंगे और अंडे में फिर डालेंगे इसको क्रम्स में और सूखे हाथ से। ये मेरे भाई ने ना स्पेशल बनवाया है $10 दे के सिद्धू मूसे वाले का, मतलब मेरे दोनों भाई बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो ये मास्टर कार्ड बनवाया है उसने और अमेरिका से बन कर आया है ये। और ये भाई साहब कहाँ गए, कैसा लग रहा बन के आ गया सब? और बनवाना ये हम लोग रखेंगे।